सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम टेरिडोफाइटा के अंतर्गत प्रभाग स्पिनोफाइटा का अध्ययन करेंगे। जो प्रभाग स्पिनोफाइटा है, इसको हम सामान्यतः रूप से हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। इसके सदस्य जो पैल्यूजोइक महाकल्प के कार्बोनिफेरस काल में विकसित हुए तथा इस समूह में कैलेमाइटिस जैसे विशाल वृक्ष पाए जाते थे। वर्तमान में इस समूह का केवल एकमात्र जीवित वंश इक्विसिटम है। इस समूह के अंदर जो पादप हैं, उनमें मुख्य लक्षण देखे जाते हैं जो कि निम्न है। जो बीजाणुद्भिद पादप है उसको हम वास्तविक मूल तना व चक्रिक शल्की पर्णों में विभेदित कर सकते हैं। जो पर्ण होते हैं वो शल्की होते हैं और चक्र के रूप पे जो पर्व संधि है वहां पे लगे हुए होते हैं। पर्व संधियों पर अनेक छोटी तथा शल्की पर्णों का चक्र होता है। ये सारे पर्ण आधार पर जुड़कर एक आवरण बनाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं, ये इक्विसिटम का बीजाणुद्भिद पादप है। इस पे हम देखते हैं कि ये प्रकंद है, इस पे ये वायवीय शाखा है या वायव्य प्रवो लगी हुई है। ये जो प्रकंद है इस पे ये मूल है जो कि हमें दिखाई देते हैं। ये जो वायव्य प्रवो है ये दो प्रकार की होती है, बंद होती है जिस पे की शंकु नहीं लगते हैं और जननशम होती है जिस पे की शंकु लगे हुए होते हैं। कई जैसे ये शंकु है, ये इस पे ये जननशम जो प्ररोह है उस पे ये शंकु लगा हुआ है। अगर हम देखते हैं वायु जो प्ररोह है उस पे यहाँ पे इस पे पर्व संधियां पाई जाती है और दो पर्व संधियों के बीच के भाग को हम पर्व कहते हैं। जो पर्ण होते हैं या जो पत्तियां होती है यहाँ पे हमें छोटी छोटी शल्की पत्तियां दिखाई दे रही है जो आधार पर जुड़कर एक चक्र के रूप में तने पे ये जो है पर्व संध्या यहाँ से लगी हुई होती है। ये इस पे ये तना है और ये तना हम देख रहे हैं कि हरे रंग का है। ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तने पर स्पष्ट पर व पर्व संधियां होती है। तने पर अनुदैर्ध्य उभार एवं खांचे होते हैं। तो ये इक्विसिटम का चित्र है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पष्ट रूप से इस पे ये पर्व दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे ये जो भाग ये कहलाता है पर्व संधियां। इस जो पर्व है इस पे हमें उभार दिखाई देते हैं और खांचे दिखाई देते हैं जो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। तने की अगर हम अनुप्रस्थ काट काट के देखते हैं तो उसके अंदर हमें ठोस रम और नाल रम दिखाई देती है और ये जो रम है इनमें तने में किसी भी प्रकार के पर्ण अवकाश नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इसके जो पर्ण होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और शल्की होते हैं तो किसी भी प्रकार का अवकाश हमें दिखाई नहीं देता है। जितनी भी जीवित जातियां हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है किंतु जो जातियां लुप्त हो चुकी है और जिनके की हमें जीवाश्म ही मिलते हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि देखी गई है। बीजाणुधानियां बीजाणुधानीधरों पर विकसित होती है। बीजाणुधानीधर सहत होकर स्ट्रोबिलस बनाते हैं। तो ये जो स्ट्रोबिलस है जिसे कि हम शंकु कहते हैं, ये जो शंकु है उसकी अनुदैर्ध्य काट है और ये इसकी अनुप्रस्थ काट का चित्र दिखाई दे रहा है। तो अगर हम अनुदैर्ध्य काट का चित्र देखते हैं तो इसमें अंदर ये जो है इसका शंकु का अक्ष है और इसपे ये बीजाणुधानीधर दिखाई दे रहे हैं। ये बीजाणुधानीधर है, ये इनसे लटकी हुई हमें बीजाणुधानियां दिखाई दे रही है इसकी दोनों तरफ। इन बीजाणुधानियों के अंदर बीजाणु पाए जाते हैं।
और यदि हम इसके अनुप्रस्थ काट को देखते हैं तो इसे हमें वो दिखाई देते हैं बीजाणु धानी दर का। और ये देखिए बीजाणु धानी दर के दोनों तरफ बीजाणु धानियां लटकी हुई है और इनके अंदर बीजाणु पाए जाते हैं। ये जो बीजाणु धानी धर है उसमें एक ग्रंथ होता है और ये बीजाणु धानी धर है और उस पे ये बीजाणु धानियां लटकी हुई दिखाई देती है। इसके अंदर ये बीजाणु पाए जाते हैं। जो बीजाणु होते हैं वो इसके अंदर हरे रंग के होते हैं और वो आभासी इलेटर से युक्त होते हैं। इसमें जो इसका आवरण होता है वो इलेटर के रूप में बदल जाता है और उससे चिपका हुआ रहता है। इस समूह की जीवित जातियां समबीजाण्विक हैं। उनमें एक ही प्रकार के बीजाणु देख पाए जाते हैं। उनके आकार में कोई भी अंतर नहीं होता है। और जो कुछ जो पुरानी लुप्त जातियां हैं जिसके की सिर्फ जीवाश्मी आज की देखने में मिलते हैं उनमें विषम बीजाण्विक जो बीजाणु है विषम बीजाण्विक होते हैं। दो प्रकार के बीजाणु उनके अंदर पाए गए हैं और जो इनमें कुछ छोटे होते हैं कुछ आकार में बड़े पाए गए हैं। युग्मकोद्भिद बहिर्बीजाणु होता है तथा हरे व स्वपोषित होते हैं। तो जो युग्मकोद्भिद है ये बीजाणु से बाहर अंकुरित होता है तो वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। पुमाणु बहुकशाविकी होते हैं और यह हम स्पिनोफाइटा का वर्गीकरण करते हैं तो उसे चार गणों में विभाजित किया गया है जो है हाइनियलिस। हाइनियलिस जो गण है उसके अंदर पर्ण छोटे व संकरे होते हैं। बीजाणु धानीधर शाखित होते हैं उनपे शाखाएं होती है और इसके जो उदाहरण है वह प्रोटोहाइनिया है हाइनिया व कैलेमोफाइटोन है। स्फेनोफिलेस इस गण के अंदर जो पादप है उनके अंदर तना कोमल होता है। द्वितीयक वृद्धि उपस्थित देखी गई है उन्हें पाई जाती है। पत्तियां जो होती है वो पर्णवंत रहित पाई गई है। और जो बीजाणु होते हैं दोनों प्रकार के बीजाणु देखे गए हैं इसके अंदर सम बीजाणु भी देखे गए हैं और विषम बीजाणु भी देखे गए हैं। तो अलग अलग जो इसके सदस्य हैं उनमें दो कुछ में सम बीजाणु भी होते हैं कुछ में विषम बीजाणु पाए गए हैं। इसका उदाहरण है स्फेनोफिल्लम। फिर जो अलग तो थर्ड गण है कैलेमाइटेलिस। इसके अंदर जो पादप के सदस्य हैं वो वृक्षवत दिखाई देते हैं और इनके अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई गई है। इसमें भी जो बीजाणु पाए गए इनके सदस्यों में दोनों प्रकार के बीजाणु इसके अंदर पाए गए हैं सम भी पाए गए हैं और विषम बीजाणु भी पाए गए हैं। ये कैलेमाइटिस का वृक्ष है तो हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल में जो टेरिडोफाइट्स होते थे उनमें किस प्रकार के पादप उस समय पाए जाते थे और धीरे धीरे समय के साथ में ये विलुप्त हो गए। चौथा गण है वो है इक्विसिटेल्स। जो इक्विसिटेल्स है यही एक जीवित वंश है जो कि इसके अंदर बच्चे हैं और जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो सब विलुप्त तो हो चुके हैं। तो इसमें ये इक्विसिटम जो अरवेंस है उसका चित्र है। जो इक्विसिटम अरवेंस है उसमें शंकु लगे हुए हैं और ये इसके जो वायव्य शाखाएं हैं उन पे हम देख रहे हैं कि इस पे शाखाएं निकली हुई है तने की। धन्यवाद।